इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास सेवन्थ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए बी एक रेखा खींचिए, ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर एक ऐसी रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समानांतर हो। तो क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी एक रेखा खींचिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए हम इनको एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए हमने एक रेखा यहाँ पर इस प्रकार से खींच ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अच्छा सीधा लाइन होना चाहिए, यहाँ पे हमने एक रेखा खींचा और यहाँ पे देखिए इनको क्या कह रहा है, ए बी मानने के लिए, यहाँ पे ए बी रेखा खींचने के लिए। तो हमने क्या किया, इनको मान लिया ए और ये रेखा हो गया हमारा, ये इस प्रकार से दूसरा बिंदु हो गया बी। तो देखिए इसमें कह रहा है ए बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर ए बी से 5 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से रख देंगे शून्य पे और यहाँ से हम लेंगे 5 सेंटीमीटर दूरी। तो हमने यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लिया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर करना है, यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी हो रहा है और यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे इस प्रकार से रेखा काट लेंगे। हमने ये रेखा काट लिया है और अगर यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, सी डी, इनको क्या करेंगे, ये जो रेखा समानांतर, इनके समानांतर जो रेखा खींचेंगे उनको मानेंगे सी डी। तो यहाँ पे देखिए सी डी खींचेंगे तो उनको क्या कह रहा है, ए बी के समानांतर हो, ए और बी के क्या हो, समानांतर हो। तो यहाँ पे ए जितना काटेंगे उतना 5 सेंटीमीटर काटे हैं, तो बी से भी क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो हम यहाँ पे बी से काट लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे बी से भी 5 सेंटीमीटर काट लिया और इनको अब क्या करेंगे, मिलाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर ये हो गया हमारा, इस प्रकार से मिला लेंगे और इधर भी ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बाहर की लाइन से मिला लेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा मिल चुका है और इनको हम मान लेंगे अब सी और ये होगा हमारा डी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सी डी। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कितना आसान था, इसी प्रकार से आपको मनाना, और इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, तो यहाँ पर चलिए हम पॉइंट लिख लेते हैं कुछ, जो कि लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर में, पहला नंबर लिखेंगे यहाँ पर, वीडियो को स्किप करके हम पॉइंट को लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दिया है। तो पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए और ये बी एक रेखा खींचा। दूसरा लाइन है यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए से एक चाप खींचा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ए से, यहाँ पे ए से, ए से हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप खींचा। इनके बाद देखिए तीसरा नंबर कह रहा है, पुनः 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बी से एक दूसरा चाप खींचा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या किया, बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा चाप खींचा, पहला चाप ये हो गया और दूसरा चाप यही हो गया। इसी प्रकार से अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है दोनों चापों के ऊपरी सिरे, दोनों चापों के ये हो गया हमारा ऊपरी सिरा, ये हो गया अंदर की सिरा और ये हो गया ऊपरी सिरा। तो ऊपरी सिरा से हम क्या किए, यहाँ पे को मिलाते हुए एक रेखा सी डी खींचा, को मिलाते हुए यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे रेखा, यहाँ पे इस प्रकार से मिलाते हुए इनको इस प्रकार से रेखा बनाया और इनको हमने क्या किया, सी डी माना, यहाँ पे सी डी खींच लिया क्योंकि कह रहा था सी डी मानने के लिए, तो हमने सी डी बनाया। और यहाँ पे पाँचवीं नंबर देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार ए बी के समानांतर रेखा सी डी हुआ, इस प्रकार यहाँ पे ए बी के समानांतर क्या कह रहा था, सी डी रेखा खींचने के लिए, तो हमने ए बी के समानांतर क्या किया, सी डी रेखा खींच लिया, सी डी रेखा खींच लिया। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से चौथा नंबर। तो चलिए हम देख लेते हैं इससे आगे हम अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।